आपका महाभारत में सबसे फेवरेट चरित्र कौन सा है? और मैं चाहूंगा कि श्री कृष्ण को इससे बाहर रखते हैं, श्री कृष्ण के साथ भक्ति भाव जुड़ा है आपका मैं जानता हूं, तो श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कौन सा पात्र है जिससे आप सबसे ज्यादा आकर्षित हुए, इसलिए कि उस पात्र के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला और आपने अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सके, कौन सा पात्र होगा स्वामी? मेरे लिए विदुर विदुर जी बहुत प्रासंगिक हैं और मेरे लिए आइडल के, देखो विदुर जी ने कभी भी असत्य के साथ समझौता नहीं किया, अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, तो ना असत्य अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, तकलीफें भी सहन की, लेकिन फिर भी विदुर जी अपनी नीत से, धर्म से, न्याय से अलग नहीं हुए। तो मेरे लिए सभी में देखो कहीं ना कहीं किसी ने, अगर कृष्ण के अलावा सभी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्रोमाइज किए, लेकिन विदुर जी ने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, जबकि विदुर जी की कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन बड़ी ताकत ना होते हुए भी विदुर जी का एक आइडियल आदर्श हमारे लगता है सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी है। तो मेरे लिए भगवान, अंत में देखो भगवान कृष्ण भी विदुर जी को कितना सम्मान दिए, विदुरानी को कितना सम्मान दिए, उन्हें राज्य की सुख सुविधा छोड़ने पड़ी, धृतराष्ट्र के राज्य की सुख सुविधा छोड़ने पड़ी, वन में जाके जंगल में रहना पड़ा, झोपड़ी में रहना पड़ा, बन फल खा के रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने असत्य के साथ, अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन ने कहा तुम मेरा विरोध कर रहे इसलिए मेरे राज्य से निकल जाओ, और उनको राज्य से निष्कासित कर दिया, वो निकल गए, चले गए छोड़कर, लेकिन कभी भी इन्होंने असत्य और अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, कष्ट सहे लेकिन अधर्म का समर्थन नहीं किया, अन्याय का समर्थन नहीं किया। मेरे लिए विदुर जी मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं, आदर्श हैं मेरे लिए। धन्यवाद स्वामी जी। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस, हमसे बहुत सारे लोग, हमने विदुर जी के चरित्र को इतना ज्यादा गहनता से नहीं पढ़ा, क्योंकि जब महाभारत की स्टोरी आती है हम जानते हैं कि उन्होंने लाक्षाग्रह से जान बचा दी थी और वो समय समय पर वो अपनी एडवाइस देते थे जिसको सब रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन ज्यादा हम लोगों ने, तो आने वाले सत्संग में हम लोग विदुर जी के ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। स्वामी जी आप हमको उनके चरित्र से कुछ सीखने के लिए जो सीख मिलती है तो उसके बारे में बताइएगा। तो अगला जो एपिसोड होगा बंधुओं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे जो महाभारत के चरित्र हैं जिनसे हम जीवन के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर आप देखिए जो आजकल हमारे जीवन में चल रहा है वो बहुत क्लोज है कि महाभारत में जो हुआ, कैसे बंधुओं में लड़ाई हो रही है, कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बनाया जा रहा है और बन जाती हैं छोटी से बड़ी बातें, कैसे हम लोग अपने कर्म जो हैं उनको छोड़कर कुछ और करने लग गए हैं, पाप पुण्य का भेद मिट गया है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, हम ये नहीं कहते कि हमें क्या चाहिए पर हम ये कहते हैं कि दूसरे के पास क्या नहीं होना चाहिए, हम इस बात से दुखी नहीं है कि हमें क्या दुख है, इस बात से दुखी है कि दूसरा खुश क्यों है। आई थिंक महाभारत को आज के जीवन परिप्रेक्ष्य में स्वामी बहुत सुंदरता के साथ मैप भी किया जा सकता है, और शायद महाभारत की जो लर्निंग्स हैं वो हम सबको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर महाभारत हुआ और सब कुछ एंड में खत्म हो गया तो हम लोग भी उसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें वीकनेस आ रही है, अगर वो ऐसी ही जारी रही तो जो महाभारत का अंत हुआ था ऐसे होने के चांसेस हमारे भी हैं। तो स्वामी जी इन कैरेक्टर्स को, इन इवेंट्स को, रेलेवेंस आज के समय में, उनको हम अगले एपिसोड में भी आपके माध्यम से जारी रखेंगे स्वामी जी।